कानपुर का नयन रोज ऐसे ही बैग टांगे घर से स्कूल के लिए निकलता है। कुछ दूर पर रेलवे ट्रैक है जिसे पार कर ये अपने स्कूल पहुंचता है। ट्रैक क्रॉस करते वक्त ट्रेन आने का डर बना रहता है, फिर भी रोजाना ये इस ट्रैक को क्रॉस करता है। आखिर करे भी तो क्या, दूसरे रास्ते से जाएगा तो 5 मिनट की दूरी को 10 किलोमीटर घूमकर तय करना पड़ेगा। इसी कसक के साथ इसने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें इस ट्रैक से हर रोज गुजरने वाले 200 बच्चों की परेशानी का जिक्र था और मांग थी यहाँ से क्रॉसिंग बनवाने की। माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसने चिट्ठी लिखकर अपनी समस्या को अवगत कराया। पीएमओ ने भी लेटर पर रिएक्ट करते हुए यहाँ पर रास्ता बनवाने के निर्देश दिए। हमको बहुत खुशी जो इस लेटर का जवाब आया उन्होंने दिया मोदी जी ने, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। नयन की कोशिश यहाँ के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। यहाँ पर क्रॉसिंग बनाने का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही नयन सहित 200 बच्चे बिना डरे अपने स्कूल जा सकेंगे। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।